Good morning, children. Welcome to the class. This is the second chapter of history, nationalism in India. We already discussed the topic nationalism in Europe, in which I discussed the term nationalism. So I think I need not discuss it once again, right? So I hope you know the definition of nationalism, right? So simply let me repeat once again. Nationalism is a feeling of love towards nation, right, in which all the people comes together and they have same identity. It is called nationalism, right? In this chapter we are going to talk about that how the feeling of nationalism emerged in India, right? India mein log ek sath kaise aaye, right? Kyun aaye, iska reason kya tha? Dekho, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि इन इंडिया 1757 के बाद से इंडिया में जो ब्रिटिश थे वो अपना धीरे धीरे अधिकार जमाना शुरू किया था. दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द कंट्री इंडिया, राइट? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल दे स्टार्टेड सप्रेसिंग इंडियन पीपल. कई सारे जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनको सप्रेस करना शुरू किया. कई सारे ऐसे ऐसे लॉ वो लेके आते थे कि यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आता था. लोगों के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया था. द पीपल वर सफरिंग ड्यूरिंग दोज डेज, राइट? सो इन दैट सिचुएशन द इंडियंस वर लुकिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड. इंडियंस को ये बात पता थी कि बाहर क्या हो रहा है. वो ये देख रहे थे कि फ्रांस में क्या हो रहा है, देन ब्रिटेन में क्या हो रहा है, और अलग अलग कंट्री में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, राइट? और यूरोप में किस तरह से लोग एक साथ यूनाइटेड हो रहे हैं और जो उसके रूलर्स हैं उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, राइट? सो द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, राइट, स्लोली एंड ग्रेजुअली एंटर्ड इनटू द इंडियन पेनिनसुला. धीरे धीरे ये कहाँ आ गया? इंडिया में आ गया, राइट? द पीपल वर स्टार्टेड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. जो इंडिया के लोग थे दे वर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश. वाई? Because the British were suppressing Indians, right? लोग जो है अपने बीच में कॉमन आइडेंटिटी ढूंढना शुरू कर दिए. वो एक दूसरे के साथ कॉमनली जुड़ने लगे. फॉर एग्जाम्पल कि कई सारे लोग उसमें आप देखोगे हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में आ गए, राइट? अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी साथ में आ गए, राइट और नॉट? एंड दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, राइट और नॉट? अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई छेड़ दी, राइट और नॉट? So, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, लोगों को सप्रेस किया था, राइट? सो यू हैव मेनी स्टोरीज रिगार्डिंग झांसी की रानी, है ना? आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी के बारे में, पढ़ा होगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में, पढ़ा होगा. इन सभी लोगों ने मिलके क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. और ये लड़ाई क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. This chapter we are going to discuss with the help of timeline. ठीक है, हम एक एक करके हर एक इवेंट को क्रोनोलॉजी में देखेंगे, ईयर बाई ईयर देखेंगे हर एक ईयर के साथ क्या क्या हुआ. तो हम स्टार्ट करते हैं 1857 से. Why I took 1857? क्योंकि 1857 में जो नेशनलिज्म का जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था वो पहली बार 1857 में ही आया था. यू नो, उस समय कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी. जैसे उस समय कई सारे फ्रीडम फाइटर थे, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है, जैसे झांसी की रानी, राइट और नॉट? ठीक है, तात्या टोपे, ये सारे लोग मिलके अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी थी, राइट? तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है 1857 में कि यहाँ से एक नेशनलिज्म की फीलिंग हमें क्लियरली देखने को मिलती है अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल, राइट? लोगों के जो ब्रिटिश पीपल थे उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए थे, राइट? दूसरा स्टेप आता है 1857 में. जब ये हुआ तो 1885 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, जब इंडियंस को ये लगा इफ वी वांट टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश पीपल देन वी हैव टू यूनाइटेड, वी हैव टू फॉर्म अ बिग पॉलिटिकल पार्टी, राइट? तो 1885 में इंडिया में जितने भी छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज थे they came together and form a big political party
नेम्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। सो ये आपको ईयर याद रखना है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन 1885 के बाद 1915, इस बीच में क्या हुआ, ये लास्ट क्लास 8th में आपने पढ़ा है, जिसमें मैंने बताया था रेडिकल्स के बारे में। अगर आपको याद नहीं है, रिवाइज द चैप्टर, ठीक है, ये वाला पार्ट आपके क्लास 10th में नहीं है, क्लास 8th में था, आप एक बार रिवाइज करना, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टू मच अबाउट इट। नाउ कम टू फ्रॉम 1915 ऑनवर्ड्स, राइट। यहाँ से हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 1915 के बाद इंडिया में क्या हुआ, जो कि 1947 में अंग्रेजों को भारत को छोड़ के जाना पड़ा, राइट। तो 1915 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, दैट वाज ऑन 9th of January 1915 महात्मा गांधी केम टू इंडिया, राइट। फ्रॉम वेयर ही केम टू इंडिया, ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, राइट। सो एज यू नो दैट ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, राइट। लगभग वो 20 से 25 साल पहले वो कहाँ चले गए थे, 25 साल पहले अफ्रीका चले गए थे, वहीं पर वो क्या थे, लॉयर थे, ठीक है। और अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था, कई सारे मूवमेंट्स किए थे अफ्रीकन लोगों, जो वहाँ के ब्लैक पीपल थे, राइट। अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे, इन ब्लैक पीपल को सप्रेस कर रहे थे कौन, वाइट पीपल। तो वहां पर महात्मा गांधी ने कई सारे हेल्प किए इन लोगों को अगेंस्ट द वाइट पीपल। सो 1915 में जब महात्मा गांधी इंडिया आए तो उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ, राइट। वेलकम होने के बाद महात्मा गांधी को ये ऑफर मिला कि दैट आप इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर जाओ। महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, अभी मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं पहले पूरे इंडिया का जो लोग हैं उनसे मिलूंगा, देखूंगा इंडिया का क्या कंडीशन है। सो वो क्या करने लगे, इंडिया में चारों तरफ घूमना शुरू किया, है ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया 1.5 ईयर, 1 से 1.5 साल तक वो क्या किए, इंडिया के अलग अलग जगह पर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो ट्रेन से घूमना शुरू कर दिए, राइट। 1.5 साल जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि इंडिया का जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है, लोग पॉवर्टी में हैं, कई सारे लोग जूझ रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू पे द टैक्स टू द ब्रिटिश पीपल, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इस तरह का सिचुएशन जब देखा तो उसने सोचा कि कुछ ना तो कुछ करना चाहिए हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि हमारा कंट्री का कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। अब देखो बैकग्राउंड में 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आपको ईयर याद होगा, क्लास 9th में मैंने पढ़ाया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था कब, 1914 टू 1918। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय हमारी कंट्री को जो रूल कर रहे थे, दैट इज ब्रिटिश पीपल, दे वर ऑल्सो अ पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अंग्रेज लोग भी क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ऐसे सिचुएशन में कि जो ब्रिटिश पीपल थे दे नीड मनी, वॉर को लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज क्या चाहिए, आर्मी चाहिए, पैसा चाहिए और आर्मी चाहिए, राइट। तो ये पैसे और आर्मी कहां से आएंगे अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश पीपल टर्न टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया में कस्टम ड्यूटीज लगा दिए, टैक्स इंक्रीज कर दिए, ठीक है, इनकम टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटीज लगा दिया। व्हाट इज कस्टम ड्यूटीज, इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स, ठीक है, जो गुड्स होते हैं, जो सामान होता है उसके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। दूसरा है हमारा इनकम टैक्स, ये क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया ताकि अंग्रेजों को ज्यादा पैसा मिल सके, ठीक है। अंग्रेजों को पैसा क्यों चाहिए था, ताकि ये पैसा ये खर्च कर सके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, राइट। जब टैक्स इंक्रीज हो गया, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हो गया, तो हमारे कंट्री में जो फूड ग्रेन के प्राइस थे वो भी इंक्रीज हो गए, जो लोगों को खाना मिलता था, राइस, वीट, इन सब के दाम बढ़ गए। जो पैसे अंग्रेजों के पास टैक्स के थ्रू आ रहे थे, वो ज्यादातर पैसे वो कहाँ खर्च कर रहे थे, डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहे थे, जैसे वेपन्स खरीदना,
आर्मी को सैलरी देना, इन सारी चीजों के ऊपर खर्च कर रहे थे, राइट। लोगों को फोर्सली रिक्रूट कर रहे थे इन आर्मी, इंडियंस को, राइट। चूंकि आदमी की जरूरत है, आर्मी की भी जरूरत है, तो आर्मी कहाँ से आएगा? द पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम रूरल एरियाज, कई सारे गांव के जो लोग होते थे उनको फोर्सली रिक्रूट किया जाता था आर्मी में, ठीक है, ताकि इन सभी लोगों को भेजा जा सके लड़ाई लड़ने के लिए, राइट। डेथ ऑफ इंडियन आर्मीज, ये लोग जब रिक्रूट होते थे चूंकि लड़ाई चल रही तो कई सारे लोग मारे भी जा रहे थे, राइट और नॉट। इसके अलावा ये सारी चीजें तो थी ही थी, 1918-19 और 2021 में इंडिया में कई सारे जगह पर क्रॉप फेल हो गया। क्रॉप फेल का मतलब है कि ठीक से क्रॉप ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव था, लोगों को काफी ज्यादा झेलना पड़ रहा था, लोगों को काफी ज्यादा कष्ट हो रहा था, राइट और नॉट। सो जो लोग थे, इंडिया के लोग थे, इनको लगा था कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे कंट्री में जो हार्डशिप है, हमारे कंट्री में जो दिक्कतें आ रही है, वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लोगों का दिक्कत खत्म नहीं हुआ। तो अब यहां पर जब ये लोग जूझ रहे थे, मुश्किलों से जूझ रहे थे, तो उसी समय बीच में ही 1915 में एक लीडर आया जिसका नाम था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी एक डेढ़ साल यहाँ पर ट्रेवल करने के बाद उन्होंने कहा कि अब जो है हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और ये जो लड़ाई होगी ये थोड़ा डिफरेंट होगा पहले के मुकाबले, राइट। डिफरेंट कैसे होगा? तो महात्मा गांधी ने कहा, वी विल अडॉप्ट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, हम लड़ाई जो करेंगे वो हम सत्याग्रह के थ्रू करेंगे। ये सत्याग्रह वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? महात्मा गांधी का मानना था दैट इफ यू आर राइट, अगर आप सही हो, राइट, तो आपको किसी तरह का फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरह का वायलेंस करने की जरूरत है, राइट, टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप सही हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके साथ मारपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो लड़ाई है आप पीसफुली जीत सकते हो, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ यू आर ट्रू, राइट, अगर आप सही हो, अगर आपके पास सच्चाई की पावर है, तो आप ये लड़ाई बिना किसी फिजिकल फोर्स के जीत सकते हो, राइट। बेसिकली उनका मानना था कि जब भी कोई आपके साथ गलत करे, राइट, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके सामने जाके पीसफुली अपील करना चाहिए, ठीक है, दैट यू आर रॉन्ग, ठीक है, पीसफुली उसके पास जाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, राइट। अगर आप बार बार उसके सामने जाके बिना किसी वायलेंस के बार बार अपील करोगे दैट यू आर रॉन्ग, कभी ना कभी उसका जो कॉन्साइंस है, जो गलत कर रहा है आपके साथ, उसका जो माइंड है वो चेंज होगा, राइट, और वो आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा, ही विल एक्सेप्ट योर ट्रूथ, राइट। तो यहाँ पर देखो सत्याग्रह हो रहा है, सभी लोग बैठे हुए हैं, राइट, अंग्रेजों के खिलाफ। ये लोग किसी तरह का ना किसी अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है, ना ही किसी तरह का वायलेंस कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ बैठे हैं और अंग्रेजों को बार बार बोल रहे हैं कि दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। सो दिस इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, राइट। तो आज तक जो मूवमेंट हो रहा था हमारे कंट्री में, चाहे वो 1857 में हो या फिर उसके बाद हो, तो इस समय इसमें क्या हो रहा था, इंडियंस क्या कर रहे थे, कई सारे जगह पर क्या करते थे, ट्रेन लूट लेते थे, ठीक है, कई सारे जगह पर बम फोड़ देते थे, जैसे भगत सिंह हो गया, राइट और नॉट। झांसी की रानी की जब लड़ाई हो रही थी तो कई बार अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया, झांसी की रानी ने लड़ाई किया, तात्या टोपे ने लड़ाई किया। तो जब यह फाइट होता था, जब इंडियंस लड़ाई करते थे, तो अंग्रेज भी सामने से लड़ाई करते, राइट और नॉट। तो महात्मा गांधी का मानना था कि नो, इट इज नॉट द राइट वे टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने का ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, हमें पीसफुली उससे अपील करना चाहिए दैट यू आर रॉन्ग, ठीक है, जो सही है आप वो करो। सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। सो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने कैसे इम्प्लीमेंट किया वो हम देखते हैं।
देखो मैं ईयर वाइज लिखा हूँ, अभी मैंने 1915 का बात किया, 1915 में महात्मा गांधी आए, 1915 में आने के बाद उन्होंने क्या किया, 1.5 ईयर वो ऑलमोस्ट इंडिया का ट्रेवल किए, राइट। ट्रेवल करने के बाद जब उसने देखा कि इंडिया का सिचुएशन बहुत खराब है, तो 1916 में राइट एक मूवमेंट किया उन्होंने, कहाँ पर, चंपारण। चंपारण ये कहाँ पर है, इट इज इन बिहार, राइट। सो बेसिकली एक दिन वो मीटिंग कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मीटिंग में बैठे हुए थे। मीटिंग में एक इंसान आया जिसका नाम था रामचंद्र शुक्ला, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ला आए किसके पास, महात्मा गांधी के पास आए, और महात्मा गांधी को क्या बोला कि बिहार में जो चंपारण नाम का जगह है यहाँ पर लोग मर रहे हैं, पीपल आर सफरिंग। महात्मा गांधी ने पूछा व्हाई पीपल आर सफरिंग, तो ये जो रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने बताया कि वहां पर क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो बिहार में जो लोग हैं उनको फोर्स किया जाता है इंडिगो ग्रो करने के लिए। इंडिगो आपको पता है क्या होता है, क्लास 8 में पढ़ा है आपने, राइट। जिसको आप कहते हो ना आज नील की खेती, जो कपड़े में जो डाला जाता है रंग, इंडिगो उसको बोलते हैं। तो रामचंद्र शुक्ला ने महात्मा गांधी को क्या बोला कि बिहार में जो प्लांटर्स हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, राइट, उन्होंने क्या किया है, वहां के लोगों को फोर्स किया है कि वो अपने लैंड के ऊपर 3 यूनिट, ठीक है, अगर उसके पास 20 यूनिट लैंड है, 20 20 यूनिट लैंड में से 3 यूनिट लैंड के ऊपर क्या करे, वो इंडिगो ग्रो करे, राइट, जिसको 3 कठिया सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और इंडिगो ग्रो होने के बाद अंग्रेज लोग वहां के लोगों को फोर्स करते हैं कि इंडिगो वो कम दाम पे सेल करे, किसको, अंग्रेजों को, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक तो अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि आप 3 यूनिट ऑफ लैंड पर इंडिगो ग्रो करो, दूसरा वो जो इंडिगो आपने ग्रो किया वो अंग्रेजों को काफी कम दामों पर सेल करो, राइट। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि अगर फार्मर्स एक बार इंडिगो ग्रो करते थे उस सॉयल के ऊपर, तो वो सॉयल अनसुटेबल हो जाता था फॉर ग्रोइंग ग्रेन्स, उस सॉयल के ऊपर ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, राइट। तो जब महात्मा गांधी ने रामचंद्र शुक्ला की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बिहार आऊंगा, और वो 1916 में इंडिगो मूवमेंट करने के लिए कहाँ पहुंचे, बिहार पहुंचे, चंपारण में। चंपारण पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को बोला डोंट ग्रो एनी क्रॉप्स, अपने घर में बैठो, क्रॉप्स ग्रो करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ब्रिटिश प्लांटर्स के क्रॉप ग्रो करने से रिफ्यूज कर दिए, राइट। और जब ये बात मीडिया में पहुंची, जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे उनके पास पहुंची, तो क्या हुआ, काफी समय बाद, दैट मीन्स लगभग काफी दिनों तक ये मूवमेंट चला। मूवमेंट चलने के बाद क्या हुआ, फाइनली जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश गवर्नर था, राइट, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि सारे प्लांटर्स चंपारण को छोड़ के चले जाएं, राइट और नॉट। और वो लोग इनको फोर्स नहीं कर सकते चंपारण के लोगों को कि वो इंडिगो ग्रो करें। ये था इंडिगो मूवमेंट, ये पहला मूवमेंट था, ठीक है, जिसने ये प्रूफ किया ये जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया, राइट, और इसकी वजह से ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया, राइट। अब चूंकि एक मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया, महात्मा गांधी ने दूसरा मूवमेंट किया कहां पर, इन खेड़ा गुजरात। खेड़ा कहां पर है, इट इज इन गुजरात, राइट। खेड़ा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर की क्रॉप फेल हो गया, राइट, 1917 में क्रॉप फेल हो गया, कि क्रॉप का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो क्या बोल रहे थे कि हमें टैक्स चाहिए, चाहे आपका क्रॉप हुआ हो या ना हुआ हो, आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो महात्मा गांधी वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंच के महात्मा गांधी ने सभी फार्मर्स से ये बोला रेफ्यूज टू पे टैक्स, ठीक है, टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर कोई मांगने आए तो रेफ्यूज करो, राइट, पीसफुल्ली रेफ्यूज करो। तो ये इशू भी अगेन क्या हुआ, काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया, ये इशू भी गवर्नर जनरल के पास किया। फाइनली क्या डिसीजन आया,
गवर्नर जनरल ने कहा कि दोज पीपल हु आर एबल टू पे टैक्स विल पे द टैक्स एंड दोज हु आर अनेबल टू पे नीड नॉट पे टैक्स। ठीक है, तो जिनके पास पैसे हैं टैक्स पे कर सकता है, वो टैक्स सीक्रेटली टैक्स दे दे, और जिनके पास नहीं है तो वो नहीं भी देंगे तो चलेगा। इट मीन्स दैट 1917 में जो खेड़ा क्रॉप फेलियर हुआ ये भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। तीसरे साल दैट मीन्स इन 1918 अगेन महात्मा गांधी ने एक और मूवमेंट किया। ये मूवमेंट कहां पर हुआ? अहमदाबाद में। कहां पर अहमदाबाद? इट इज इन गुजरात। सो अहमदाबाद में कॉटन मिल काफी सारे थे उस समय, राइट? ये कॉटन मिल किसके थे? ब्रिटिश पीपल के थे, राइट? तो वहां पर जो वर्कर्स थे, जो वर्कर्स काम करते थे वहां पर, इन वर्कर्स का कुछ डिमांड था। डिमांड क्या था? वो चाहते थे कि उसका जो वेज है, जो डेली वेज है, वो इंक्रीज हो जाए। कितना? 35% इंक्रीज हो जाए। अगर उनको 100 रुपए मिल रहे हैं तो वो कितना मिलना चाहिए? 135 रुपीज पर डे का, राइट? और जो उसका वर्किंग आवर है, जो कि उस समय प्लांटर्स उनको 14 घंटे काम करवाता था, 14 आवर्स, ये घट के कितना हो जाए? 8 आवर्स हो जाए, राइट? तो ये उनका डिमांड था। महात्मा गांधी ने इस डिमांड को सपोर्ट किया, राइट? और उन्होंने कहा कि आप लोग पीसफुल्ली प्रोटेस्ट करो अगेंस्ट द ब्रिटिश मिल ओनर, राइट? यहाँ पर प्लांटर नहीं होगा, ब्रिटिश मिल ओनर, राइट? तो उनके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करो। सभी वर्कर्स ने काम बंद कर दिया। सो जितने भी कॉटन मिल्स थे वो बंद पड़ गए, राइट? जब कॉटन मिल बंद पड़ गए तो जो वहां के प्लांटर्स जो मिल ओनर थे, उन्होंने उनको काफी ज्यादा चिंता होने लगी क्योंकि उनका काम रुक गया, राइट? सो दे स्टार्टेड फोर्सिंग द पीपल टू ज्वाइन, राइट और नॉट? लोगों को फोर्स करना शुरू किया, कई सारे लोगों को मारना शुरू किया कि आप काम करो आके कॉटन मिल में, ठीक है? लोग चुपचाप आते थे, उनसे मार खाते थे और चुपचाप जाके बैठ जाते थे, ठीक है? किसी ने भी किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं किया, ठीक है? सभी लोग लाइन लगा के खड़े हुए होते थे पिटाई खाने के लिए, राइट? फाइनली क्या हुआ, ये जो कॉटन मिल ऑनर्स थे उन्होंने ये डिमांड मान लिया, एंड अगेन 1918 में ये मूवमेंट भी क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। सो कैन यू सी हियर हाउ महात्मा गांधी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई किया उन्होंने? किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं किया, ठीक है? वो सिर्फ क्या करते थे, एक जगह बैठ जाते थे पीसफुली, राइट और नॉट? और जो उनका डिमांड होता था वो अंग्रेजों से मांगते थे। तो उन्होंने लगातार तीन मूवमेंट किया। ये तीनों मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मैं आपको दिखाता हूँ ये तीनों जगह कहाँ कहाँ पर है इन द मैप। सो लुक एट हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडिगो मूवमेंट। देखो इंडिगो किस तरह से ग्रो किए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी को महात्मा गांधी यहाँ पर बैठे हैं। तो यही इंडिगो मूवमेंट 1916 में एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर कि महात्मा गांधी ने अपने क्लॉथ को त्यागा था, राइट और नॉट? इसके पहले वो पूरे कपड़े पहनते थे, सूट वगैरह पहनते थे, राइट? लेकिन 1916 के बाद से इन्होंने क्या किया, एक सिर्फ धोती पहनना शुरू किया, राइट? क्यों पहनना शुरू किया? क्योंकि इनका मानना था कि हमारे कंट्री में कई सारे ऐसे पुअर पर्सन है जो कि जिनके पास खाने के लिए या कपड़ा पहनने के लिए कपड़े नहीं है, राइट और नॉट? So he wanted to feel the sufferings of all the people. वो चाहते थे कि किस तरह का कष्ट होता है लोगों को, मैं भी फील करके देखूं। That's why उन्होंने भी अपना कपड़ा त्याग दिया, right? ये खेड़ा सत्याग्रह है, देखो लोग साथ में हैं। यहाँ पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है। तो यहाँ पर देखो चंपारण बिहार, ये वाला पार्ट है चंपारण, ये बिहार है, राइट? बिहार में चंपारण मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, राइट? दूसरा है आपका ये अहमदाबाद, लुक एट हियर, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, ठीक है? और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, पीजेंट सत्याग्रह, राइट? ये भी कहाँ है? गुजरात में। सो दोनों आसपास में ही, अहमदाबाद और खेड़ा। सो ये तीन मूवमेंट थे, यू नीड टू रिमेम्बर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रेस्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।